दोस्तों आज मैं आपको घुमाने के लिए लेके जाऊंगा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम हीराकुद। ये उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। संबलपुर से ये 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट झारसुगुड़ा है और झारसुगुड़ा से ये इसकी दूरी 78 किलोमीटर है। आज मैं आपको एक स्पेशल रूट से हीराकुद डैम लेके जाऊँगा दोस्तों। ये स्पेशल इसलिए है कि इस रास्ते में आप डैम की ब्यूटी का आनंद अच्छी तरह से उठा पाओगे, क्योंकि हम डैम के किनारे से होकर डैम को जाएंगे। तो गाइस आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, मैं आपको आज गाइड करूंगा कि आप किस रास्ते में जाओगे तो डैम की ब्यूटी का आनंद अच्छे तरह से उठा पाओगे। मैं अभी सुंदरगढ़ टू संबलपुर हाईवे पे हूँ गाइस, तो चलिए मैं आपको गाइड करता हूँ और चलते हैं साथ में। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं ये पधानपाली है शायद, जब आप सुंदरगढ़ से आओगे तो देख लेना, यहाँ पे टूल गेट लिखा हुआ है। देखिए गाइस यहाँ पे टूल गेट लिखा हुआ है और यहाँ से आपको जाना है राइट साइड, तो आप राइट डाइक पे पहुँच जाओगे जो हीराकुद डैम का हो गया राइट डाइक। सो दोस्तों यहाँ से हमको लेना है राइट साइड और हम जाएँगे हीराकुद राइट डाइक के तरफ से। हीराकुद राइट डाइक के तरफ से जाने का फ़ायदा ये है गाइस कि आप जो है हीराकुद जो डैम है, डैम के साइड साइड से जाओगे तो व्यू बहुत ही अच्छा आता है, तो यही फ़ायदा है। तो अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो पौधानपाली चौक है, पौधानपाली चौक से आप राइट साइड जाके हीराकुद डैम का आनंद उठाओ। सो गाइस पौधानपाली चौक से आगे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा रास्ता, उसमें से आप सीधा चले जाइए। सो गाइस इस रास्ते में आने के बाद आप पहुंच जाओगे, ऐसे वो रहा आपको दिख रहा होगा वो है संबलपुर का एयरस्ट्रिप, और यहां से जो व्यू है वो दिखना स्टार्ट हो गया है। देखिए बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है गाइस। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो गया है हीराकुद का जो राइट डाइक का रास्ता, यहाँ से आप व्यू चेक करें बस, बहुत ही अच्छा व्यू आएगा यार गाइस। अभी
और दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको मिलेगा सासन केनाल, ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे आप थोड़ा बैठ जाना, थोड़ा फ़ोटो शूट करना और उसके बाद आगे जाना। आगे रास्ता है, मैं आपको आगे का रास्ता भी दिखाऊंगा। और गाइस मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था तो मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे मिले यहाँ पे, देखिए। हाय, आपका नाम क्या है? स्वागत पटेल। स्वागत पटेल, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हीराकुद डैम की तरफ। यहाँ पे बहुत मस्ती कर लिया तो चलते हैं वहाँ पे। आगे एक चौक पड़ेगा गाइस सोनू टिकरा बोल के, तो वहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आप डायरेक्ट संबलपुर सिटी पहुँच जाओगे, लेकिन हमको जाना है राइट साइड क्योंकि जो डाइक का रास्ता राइट साइड की तरफ है, मैं कभी नहीं गया उस साइड में। तो देखते हैं, किसी से पूछ के जाना पड़ेगा। डायरेक्ट डाइक ही होगा, रास्ता पूरा सीधा होगा, तो चलते हैं देखते हैं कितना दूर जा पाते हैं। जहाँ तक अलाउ करेंगे वहाँ तक जाएंगे और रास्ता होगा, किसी से पूछ लेंगे, लोग होंगे। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं डैम के लास्ट पॉइंट, मतलब डाइक के लास्ट पॉइंट पे हैं अभी। और आगे जो रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते से जाना है गांधी मीनार को। और जो राइट साइड में जा रहा हूँ उस साइड आगे अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा बोले यहाँ पे एक भैया थे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ और उसके बाद जाएंगे डायरेक्ट गांधी मीनार को। यहाँ से अगर आप आ रहे हो तो गांधी मीनार जाने का रास्ता मैं जो है किसी से भी पूछ लो, आपको बता देंगे, नहीं तो आप गूगल मैप फॉलो कर लो, आप पहुँच जाओगे गांधी मीनार। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा, मतलब मैं जहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा था मैं उस साइड से आया गाइस, लेफ्ट का रास्ता जो है, लेकिन यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। और वो जो आगे जो जा रहे हैं वो मुझे रास्ता दिखाएंगे, तो हो सकता है गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप चला लेना काम, ठीक है। तो इस रास्ते से जाना पड़ेगा गाइस,
वो जो प्लांट दिख रहा है आपको, वो प्लांट के रास्ते से। तो थैंक्स टू ये जो है, ये हमको रास्ता दिखा देंगे बोले, तो थैंक यू उनको। सो दोस्तों देखिए, मैं जो था वहाँ पे था और इस रास्ते से आया। देखिए ये जो रास्ता है, ये कंक्रीट का, ये इस रास्ते से आया और हमको जाना है इस रास्ते में, मतलब आगे गांव है। वो बोले कि किसी से भी पूछ लो, वो बता देंगे। तो चलते हैं, आपसे डायरेक्ट डैम पे मिलता हूँ। ओके गाइस, ऐसा कुछ है, ये कौन सा प्लांट है पता नहीं, लेकिन प्लांट के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस, हमने लोगों से पूछा और इस रास्ते से यहाँ तक पहुँच गए हैं, और वहाँ से जाना है हमको राइट। अगर हम संबलपुर से डायरेक्ट आते तो वो जो चौक दिख रहा है, वो चौक से लेफ्ट से आते। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे तरह से। ये देखिए, संबलपुर से आओगे तो इस चौक से आना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट वाले चौक से। तो हम लोग जो है फैक्ट्री के रास्ते से आए हैं, और सामने की तरफ रहा वो देखिए गाइस, हम पहुँच गए गांधी मीनार। अभी मज़ा आएगा ना भिड़ू। सो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं यहां पे जो है, ये बोलते हैं जवाहर उद्यान पार्क पे, देखिए। और यहां से जाएंगे अंदर और रोपवे बैठेंगे। यहां पे फ़िलहाल मेरा गाड़ी पार्क हो चुका है। अगर आप गाड़ी लेके जाओगे ऊपर, मतलब मीनार के ऊपर, तो वहां से टिकट काटना पड़ेगा। अभी जो है जो पार्किंग का फ़ीस हो गया, यहाँ का 10 रुपीज़ लिए हैं। और अभी मेरा हेलमेट जो है यहाँ पर, एक मौसी हैं, मैं उनसे बात किया और उनको दे रहा हूँ। तो अभी अंदर जाएंगे गाइस और रोपवे पे बैठेंगे। सो गाइस, मैंने टिकट ले लिया है, टिकट पड़ा मुझे 5 रुपये का, और अभी अंदर जा रहे हैं। पिछले बार जो आए थे, मतलब हम लोग बाइक लेके गए थे ऊपर पूरा, और थोड़ा दिक्कत हो गया था। दिक्कत क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को लगा था कि ऊपर से रोपवे में बैठेंगे और मतलब नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं था गाइस। टिकट जो था पार्क के अंदर मिलता है, जिसका मुझे पता नहीं था, तो थोड़ा दिक्कत हुआ था उस टाइम पे। तो हम लोग गए थे ऊपर, ऊपर जाके फिर घूमे और फिर नीचे आए, और जो था पार्क का टिकट लिया। पार्क का टिकट लेने के बाद हम लोग गए रोपवे पे और वहाँ पे भी टिकट लिया, और उसके बाद गए थे ऊपर। ये जो बात है, ये पिछले साल का 25 जनवरी का है, तो ऐसा कुछ है। अभी बोल रहे थे कि जो मीनार है, मीनार के ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, तो उसका क्लिप है मेरे पास पिछले साल का, तो वो डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो, देख लेना। तो गाइस, अभी मैं जवाहर उद्यान पार्क के अंदर घूम रहा हूँ और बहुत अच्छा फील आ रहा है। गार्डन बहुत दिन के बाद पार्क आया हूँ, मतलब जो था हाँ लॉकडाउन के बाद तो कहीं नहीं गया, मतलब कोई भी पार्क नहीं गया। अभी हाल ही में खुला है, जो भी खुला है, मतलब हमारा आईजी पार्क हो गया या ऐसा कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा है पार्क में घूम के। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप हीराकुद आने के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, मतलब आप गांधी मीनार के साइड आ सकते हो और नेहरू मीनार। तो गांधी मीनार के तरफ आओगे तो मीनार के ऊपर जाओगे तो एक प्लस पॉइंट ये है कि वो रोटेट होता है, तो आप मस्त खड़े होके मज़े ले सकते हो, मतलब घूमना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक रोटेट होगा। तो ऐसा कुछ है गाइस। और गांधी मीनार के साइड में और एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी अभी यहाँ पे, अभी नहीं, पिछले साल को रोपवे स्टार्ट हो गया है, तो डायरेक्ट आप आओ पार्क के अंदर और पार्क में रोपवे का टिकट लो और पार्क में थोड़ा घूमो, और उसके बाद जाओ डायरेक्ट गांधी मीनार और ऊपर से जो डैम का व्यू का मज़ा लो, ऐसा कुछ है गाइस। अभी जो था हीराकुद में, मतलब मैंने 2 होटल में देखा मील के लिए, तो मील रेडी नहीं था। वो बोले करीबन 1 बजे मील रेडी होगा, तो 1 बजे जाएंगे, मतलब यहाँ से जाएंगे और मील खाऊंगा मैं। मेरे साथ ही ऐसा होता है, हर बार कहीं भी घूमने के लिए निकलता हूँ तो खाने पीने का कोई
ठिकाना नहीं रहता। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं पार्क आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और खास करके हीराकुद का जो डैम था उसका ब्लॉग बनाना था, लेकिन ये कोविड के चक्कर में नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज फाइनली आ गए हैं हीराकुद डैम और जवाहर उद्यान, मतलब हीराकुद डैम का पार्क में, जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम ऐसा कुछ है। सो गाइस, अभी जा रहे हैं रोपवे पे बैठने के लिए, रेस्ट ले लिया जितना लेना था और अभी टिकट लेंगे रोपवे का और उसके बाद जाएंगे बैठेंगे। सो गाइस, जो था अभी पार्क बंद था और रोपवे सर्विस भी बंद था। अभी 7/11 जो है नवंबर का 7 तारीख से ये खुला है, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो रोपवे का जो फीस पड़ेगा रोपवे पे बैठने का वो ₹50 है अप डाउन के लिए, ये पर पर्सन ₹50 लगेगा। बहुत दिनों से सोच रहा था रोपवे पे बैठने के लिए, लेकिन कोविड कोरोना के चक्कर में नहीं हो पा रहा था। पूरा खाली है गाइस, आप आओ यहाँ पे मस्त पूरा, नहीं तो दूसरा टाइम मैं आया था जब पिछली बार तो बहुत भीड़ था पूरा। हाँ तो गाइस, अभी मैं रोपवे पे बैठ चुका हूँ, पूरा खाली है, मैं अकेला बैठा हूँ एक कैबिन में। मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब आप रोपवे में बैठोगे तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे रोपवे रुक जाता है और मतलब पूरा स्टेबल रहता है। उस टाइम पूरा मेरा दोस्त था पिछले बार जो आए थे, उसका हालत खराब हो गया था पूरा, और एक्चुअली मुझे भी थोड़ा डर लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी वो पॉइंट आ गया है, अभी पूरा रुक गया है। मतलब क्या होता है ना, जब रुकता है तब मतलब वहाँ पे लोग बैठते हैं और नीचे भी लोग बैठते हैं, तो ऐसा कुछ है गाइस, तो इसलिए रुकता है, आप टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आएगा तो दूसरा वाला मीनार जाएंगे दोस्तों, अभी हम गांधी मीनार आए हैं। गांधी मीनार अभी खुला होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं गांधी मीनार के ऊपर, मतलब मीनार के ऊपर नहीं आए हैं, वो बोल रहे हैं कि 15 तारीख से खुला होगा, अभी बंद है मीनार कोविड के वजह से। अभी गांधी मीनार की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं कोविड के वजह से, लेकिन वो 15 तारीख से अलाउ करेंगे, मतलब 15 तारीख के बाद अगर आप आओगे तो आप जा सकते हो गांधी मीनार के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, इसी रास्ते से जाना होता है और वहाँ पे होके सीधा ऊपर जाओगे और ऊपर वहाँ से रोटेट होता है गांधी मीनार, तो ऐसा कुछ सीन है, आप खड़े होके बस देखिएगा, वो रोटेट होता है ऑटोमेटिक। तो अगर आप आने के बारे में सोच रहे हो तो 15 तारीख के बाद आइए और फुल मज़ा लीजिए पूरा। लेकिन इस वीडियो में भी आपको मज़ा मिलेगा, क्योंकि मेरे पास पिछले साल जब मैं आया था उसका वीडियो क्लिप होगा मेरे लैपटॉप में, तो डाल दूंगा, इसी में ऐड कर दूंगा। सो अभी हम हैं गांधी मीनार में और सीढ़ियों के जरिए ऊपर की चढ़ाई कर रहे हैं। आपको वो साइड में दिख रहा है, उस साइड में वो है नेहरू मीनार जो कि डैम के ऑपोजिट साइड में है। तो अभी हमें गांधी मीनार में, तो अभी लगा है मुझे थोड़ा भूख, तो नीचे जाते हैं गाइस और कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो चलो नीचे जाते हैं अभी। सो गाइस, अभी चना खा रहा हूँ मैं, वो रहा आपका गांधी मीनार। अगर आपको टॉयलेट लगाए तो यहाँ पे है लेडीज जेंट्स के लिए अलग अलग, तो अभी तो देख लिया गाइस, तो अभी चलते हैं हम यहाँ से। तो दोस्तों, अभी हमने बैठ लिया है रोपवे पे और पूरा गर्मी इतना हुआ ना, हालत ख़राब हो गया है, ऊपर से मैं नहीं खाया हूँ अभी तक। सो गाइस, अभी पार्क भी देख लिया और डैम भी देख लिया, तो आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ सुझाव तो कमेंट करके बताना,
तो गाइस फिर मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।